नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी नाम की जो सरकार चल रही है, जिसने अपना एक पसोठा बात चलाया हुआ है, अब उसको लेकर एक बार फिर से विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जिलाध्यक्षों के एक सम्मेलन में दावा किया कि शिवसेना आने वाले समय में अपने दम पर सरकार बनाएगी और ये सरकार 25 सालों तक राज करेगी महाराष्ट्र के अंदर। दरअसल कुछ ये वही बात थी जो दशहरा के सम्मेलन में दिए गए भाषण में कहने की कोशिश की थी, या उससे पहले संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री अगले 25 साल तक महाराष्ट्र पर शासन करने वाला है। इसको लेकर अब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की हंसी उड़ाने का काम शरद पवार ने किया है। राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने कहा है कि हम तो पिछले 30 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि शिवसेना का भगवा झंडा मुख्यमंत्री कार्यालय पर फहराएगा, लेकिन आज तक तो ये हो नहीं पाया है। और आज भी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तो वो दो दलों की बैसाखियों के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं, और उससे पहले शिवसेना जब सत्ता में रही है वो गठबंधन के माध्यम से रही है। कभी भी शिवसेना इस स्थिति में नहीं आ पाई कि वो अपने दम पर सरकार बनाने का दावा भी कर सके। सरकार बनाने की तो बात दूर है। आगे शरद पवार ने यह भी कहा कि ये कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है, इसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का जो नेता होता है वो अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनमें स्फूर्ति पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें किया करता है, और यही बातें करने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। यानी उद्धव ठाकरे के दावे की हवा पूरी तरीके से शरद पवार ने निकाल दी है और कह दिया है कि ये संभव नहीं है। जब बाला साहब के रहते हुए शिवसेना कभी भी इस हालत में नहीं पहुंच सकी थी कि वो अपने दम पर सरकार बना पाए। वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन कभी भी शिवसेना को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी इस मूड में थी कि शिवसेना को उसके गठबंधन से अलग करके चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो शायद महाराष्ट्र में अभी भी भाजपा की ही सरकार रही होती, लेकिन ये चूक भाजपा से हुई और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा कि शिवसेना ने उनको एंड टाइम पर धोखा दे दिया और शिवसेना इस बात पर अड़ गई कि अब मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की जो बचपन से एक इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने गठबंधन धर्म को एक तरीके से ताक पर रख के अपनी जिद पर अड़ गए, और इस बात के लिए उन्होंने आगे कर दिया संजय राउत नाम के शकुनी को। संजय राउत ने अपनी तमाम चालों के माध्यम से शिवसेना की सरकार बनाने की जो एक रूपरेखा तैयार की, जिसमें एनसीपी और सोनिया गांधी के कांग्रेस को साथ लेने का एक फॉर्मूला बना। इसमें साफ था कि उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी छवि को, बाला साहब के सिद्धांतों को खूंटी पर टांग देंगे और केवल वो कठपुतली के तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को उद्धव ठाकरे ने मान लिया, क्योंकि उद्धव का एक ही सपना था, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और इसके पीछे उन्होंने कह दिया कि ये शिवसेना का सपना है। शिवसेना का क्या सपना है उसकी हकीकत तो शरद पवार ने बता दिया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भाजपा के विधायक हैं राम कदम, उन्होंने भी कहा है कि शिवसेना के इस सपने की हवा शरद पवार ने निकाल दिया है। शरद पवार ने परोक्ष रूप से ये कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, शिवसेना कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी भी अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता की प्राप्ति नहीं कर सकती है। और अगर बात की जाए बाकी की तीन पार्टियों की तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। एनसीपी अपनी सरकार बना चुकी है, कांग्रेस अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन शिवसेना की जो स्थिति है अभी भी वो तीसरे चौथे नंबर वाली है। ये अभी तक दूसरे नंबर की पार्टी बनने का भी दम नहीं भर पाई है, और आज जिस तरीके से दूसरे नंबर के विधायक शिवसेना के हैं जरूर, लेकिन वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से हुए हैं। अगर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये लोग चुनाव न लड़े होते तो शायद शिवसेना के विधायकों की संख्या 2-3 दर्जन से ज़्यादा न रही होती। ये बात शिवसेना के प्रमुख को भी पता है,
और यही वजह रही कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जब मुख्यमंत्री पद मिलने की बात उनको नहीं स्वीकार की गई, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े या शरद पवार के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, उन्हें सरकार बनानी ही बनानी है। और कांग्रेस और एनसीपी को ये लगा कि ये सरकार में आने का एक अच्छा मौका है, अगर इस बार हम चूक गए तो अगली बार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत जीत कर आ जाए और उनका जो सत्ता में आने का सपना है वो और ज़्यादा लंबे समय के लिए टल जाए। इसी वजह से एनसीपी कांग्रेस ने शिवसेना के साथ सरकार बनाना स्वीकार किया, जबकि वो किसी भी तरीके से शिवसेना के सिद्धांतों से, शिवसेना की सोच से, शिवसेना के इतिहास से, शिवसेना की विरासत से कोई संबंध एनसीपी और कांग्रेस का नहीं था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सत्ता के लिए शिवसेना ने सरेंडर किया, उसको लेकर भी राम कदम ने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि शिवसेना का तो एकमात्र उद्देश्य है सरकार, सरकार और सरकार, और उद्धव ठाकरे भी सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, सरकार में कैसे बने रहे, सरकार कैसे चलती रहे, सरकार कैसे बची रहे। लेकिन ये जो बयान शरद पवार का आया है, उसके बाद इन तीनों पार्टियों के बीच में जो आपसी खींचतान है वो एक बार फिर से उजागर हो गई है। एक तरफ शरद पवार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करती है, और दूसरी तरफ शिवसेना अपने दम पर 25 साल शासन करने का दावा करती हुई नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से अभी इस सरकार को एक साल होने वाला है, लेकिन एक साल में जो खींचतान हुई है, जो अक्षमता देखने को मिली है, जो लड़ाई झगड़ा देखने को मिला है, जो लूट खसोट देखने को मिली है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जनता इन तीनों पार्टियों को आने वाले चुनावों में किसी भी हालत में स्वीकार करने वाली नहीं है। और इसका नतीजा क्या होगा ये भी इन लोगों को अंदाज़ा है। यही वजह है कि बाकी की जो दो पार्टियां हैं वो एक दूसरे से बचकर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर जो नगर पालिका और पंचायत के चुनाव होने हैं, उसको लेकर कहा तो ये जा रहा है कि तीनों पार्टियां मिलकर इसका चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर तीनों पार्टियां इसका मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जो वर्तमान में उनके पास जिन जिन इलाकों में बढ़त है, उन इलाकों में अपनी बढ़त को उन्हें दूसरी पार्टी के साथ में बांटना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए ये तीनों पार्टियां राजी हो पाएंगी या नहीं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बीएमसी में अभी शिवसेना का दबदबा है, लेकिन अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उसमें फ़ायदा बीजेपी को होगा, और हो सकता है कि बीएमसी में शिवसेना को अपनी सत्ता खोनी पड़े, अपनी जो पद है वो खोना पड़े, कुर्सी खोनी पड़े। और यही हालत दूसरे जो महानगरों के निकाय हैं या जो जिला पंचायतें हैं या जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब दो पार्टियां अलग होकर दो गठबंधन लड़ते हैं तो उनमें वोट आधे आधे बट जाते हैं, लेकिन एक गठबंधन के कोई घटक जब दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाता है तो उसका जो वोट है, जो उस गठबंधन का मूल पक्ष होता है, उसके साथ चला जाता है। तो जो वोट भाजपा का शिवसेना को जाता था, अब शिवसेना का वोट भाजपा को जाएगा और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ये आने वाले जो स्थानीय निकाय के और पंचायत के चुनाव है उसमें देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से शिवसेना की तमाम आलोचनाएं पिछले दिनों में हुई हैं, उसकी सरकार की जो तमाम विफलताएं हैं वो खुलकर सामने आई हैं, और सरकार ने जिस तरीके से संविधान को ताक पर रखने का काम किया है, कोर्ट को ताक पर रखने का काम किया है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उन्हें हनन करने की कोशिश की है, और कई मामलों में जिस तरीके से अपराधियों को बचाने के लिए खुलकर निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार किया गया है, वो सारी चीज़ें जनता के रिकॉर्ड में, जनता की इतिहास की पुस्तक में दर्ज होती जा रही हैं। जनता बड़ी आसानी से और बड़ी धीरे धीरे और बड़ी गंभीरता के साथ इन सारी चीज़ों को नोट कर रही है। आने वाले वक्त में जब जनता को मौका मिलेगा तब निश्चित तौर पर वो शिवसेना को भी जवाब देगी, एनसीपी कांग्रेस को भी जवाब देगी, और जवाब उन लोगों को भी देगी जो इनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जनता वास्तव में इतनी ज़्यादा भोली अब नहीं बची है जितना पहले कहा जाता था कि आप उसको बरगला लेंगे 25 दिन के चुनाव के दौरान, उसको जो 5 साल की जो तमाम आपकी कारगुजारियां हैं उनसे आप भटका लेंगे। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और जो कुछ बड़े चैनल या बड़े अखबार नहीं दिखाते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है, लोगों के पास हर खबर का हर एंगल पहुँचता है, और ये उनके ऊपर होता है कि वो किस एंगल से उस खबर को, उस
बात को देखना चाहते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से शिवसेना अब घिरती हुई नजर आ रही है और उसके बाद शिवसेना का जो मुख्यमंत्री है वो चुनावों की बात कर रहा है, चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं को पूर्ण बहुमत लाने की बात कर रहा है, यानी कि उद्धव ठाकरे को भी ये लग रहा है कि उनकी जो सरकार है महाविकास अघाड़ी के नाम पर जिसे वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाजीवाद और फांसीवाद से भी अत्याचार के मामले में दो कदम आगे है और इसीलिए इसको पसोठावादी सरकार कहा जाता है। पवार सोनिया ठाकरेवादी इस सरकार में जनता की नहीं सुनी जाती, प्रशासन के ऊपर इनका डंडा चलता है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय अपराधियों को बचाने का काम करती है। स्थानीय निकाय से लेकर सरकार का जो सारा का सारा ध्यान है वो अपराध के मामले में सरकार की किरकिरी होने से बचाने के लिए जनता के गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाने पर ज़्यादा ध्यान है। वो वकीलों पर पैसा लुटाकर जनता के जो जरूरी काम है उनको भी अटकाने का काम कर रही है। बीएमसी एक तरफ आम लोगों को निशाना बना रही है लेकिन अपराधियों की जो बिल्डिंगें खड़ी हुई है, जो घोटालेबाजों की बिल्डिंगें हैं, 1 लाख के करीब जो शिकायतें हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। लाखों रुपए वो इस बात पर उड़ा रही है कि एक महिला के ऑफिस को तोड़ दिया गया, उसको कैसे जायज ठहराया जाए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार एक अपराधी स्त्री को बचाने के लिए एक बड़े वकील को हायर करती है 3 महीने से और उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं जनता इसको देख रही है, समझ रही है और उसका संज्ञान भी ले रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।